हेलो फ्रेंड, नमस्ते। घर में अगर रोटी बच जाते हैं तो आप लोग क्या क्या बनाते हैं? तो हम तो कुछ भी ना कुछ बनाते हैं। जब भी रोटी हमारा बच जाते हैं तो देखिए आज हम क्या बनाए। तो पहले हम धनिया के पत्ता लिए हैं और अदरक के दो टुकड़ा लिए हैं और लहसुन 4-5 कली ले लिए हैं और हरी मिर्च ले लिए। तो बच्चन के लिए अगर बनाल जाता है तो हरा मिर्च मत लीजिए और फिर आधा नींबू इसमें नचोड़ के दे दे रहा है और स्वाद अनुसार नमक दिए हैं। तो फिर इसमें हम पानी नहीं देंगे, वैसे ही पीस लेंगे दरदरा। तो पीस लिए हैं और फिर यहाँ पर आलू लिए हैं, उबला हुआ आलू। तो इसको हम कद्दूकस कर लिए हैं जिसमें कोई दाना ना रह जाए। तो फिर इसमें जो चटनी हम बनाए हैं वो चटनी इसमें छोड़ दे रहे हैं हम। और फिर एक टू प्याज हम काटे हैं छोटा छोटा करके, तो भी छोड़ दिए हैं और स्वाद अनुसार हम नमक दिए हैं। और फिर इसको हमें चम्मच के दरा से मिला रहा है। तो आप चाहे हाथ से भी मिला सकते हैं, तो इसे ने हाथ से मिला थोड़ा सा इसमें मिर्ची दिए हैं तो इसी नाते हम चम्मच से मिला रहा है। तो देखिए पूरी तरह से हमें मिला ही लिए हैं। तो ये हमारा चोखा, चाहे वैसे भी खाइए आप खा सकते हैं। तो तैयार हो गया है चोखा। और फिर यहाँ पर देखिए हम रोटी ले लिए हैं 2 ठू। वैसे तो 2-4 बच जाते सबके घर में, तो यहाँ पर हमारा 2 ठू रोटी हम बचे हैं तो वो हम ले लिए हैं। तो फिर जो हम चोखा तैयार किए हैं तो रोटी पर हम लगा दे रहे हैं। इस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा करके हम इसमें लगाएंगे, चारों बराबर करके दे देंगे। देखिए इसी तरह से हम बराबर करके दिए हैं। तो आप लोग क्या बनाते हैं जरूर बताई दीजिएगा। और देखिए हम कैसे बनाते हैं देख लीजिए। तो फिर इसको हम धीरे धीरे लपेट लिए हैं थोड़ा सा। इसमें तो आप बेसन दे सकते हैं, लेकिन हम बेसन वेसन कुछ भी नहीं दिए हैं। आप बेसन दे सकते हैं, मैदा दे सकते हैं, मतलब दाल और जैसे दाल होता है पीस के वो भी आप दे सकते हैं। तो हम दोनों इस तरह से बराबर कर लिए और एक तो छाननी जो बर्तन है छाननी वाला वो ले लिए हैं और पानी गर्म करके उसमें हम रख दिए हैं दोनों रोटी। जैसे थोड़ा सा टाइट है तो थोड़ा हमको नरम करना है रोटी, तो इसी नाते हम दिए हैं। तो 2 मिनट के लिए इसको हम गर्म किए हैं, मतलब भाप दिए हैं। तो थोड़ा नरम हो चुका है। तो फिर देखिए हम ठंडा होने के लिए फिर हम इसको रख दे रहा है और यहाँ पर हम थोड़ा सा घोल इसका बना रहा है। देखिए 2 चम्मच चावल के आटा दिए हैं, थोड़ा सा इसमें हम तेल दे दिए हैं, चुटकी भर नमक दिए हैं और हल्दी दे दे रहा है चुटकी भर, और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर दिए हैं और थोड़ा सा पानी दे के एकर घोल हम तैयार कर रहे हैं। तो चम्मच से थोड़ा सा हम चलाए दे रहे हैं और ये देखिए ये हमारा घोल बन के तैयार हो गया है। तो इसमें आप बेसन भी दे सकते हैं, मैदा भी दे सकते हैं। तो फिर ये रोटी देखिए हम उठाए लिए हैं, तो थोड़ा सा नरम तो हमारा हुआ है। तो फिर इसको हम चाकू से छोटा छोटा करके हम पीस करेंगे इसकर। तो पहले बार तो पीस हमारा बने नहीं है, तो दूसरा बार हम काट रहे हैं, बहुत धीरे धीरे काटना पड़ रहा है। जैसे अगर बेसन देते तो इसमें तो मतलब जॉइंट हो जाते, तो हम बेसन इसमें दिए नहीं हैं, सिर्फ आलू के चोखा हम लगाए। तो देखिए इस तरह से हम काटे हैं, तो पूरा हम इसी तरह से हम काट लिए हैं। और जोन हम ये पर देखा पूरा रख दिए हैं काट के हम। और फिर यहाँ पर हम दिए हैं मतलब जो बेसन हम घोल के मतलब बेटर जो घोल के हम रखे थे उसमें बोर दे रहे हैं। बढ़ने के बाद यहाँ पर हम तेल दिए हैं गरम करने के लिए। तो उसमें हम एक एक करके ये तेल पर हम छोड़ देंगे और जो बेटर बनाए हैं उसमें हम बुराई के फिर हम इसमें छोड़ देंगे। तो फिर इस तरह से आप लोग घर में बनाइए, बहुत टेस्ट लगते हैं। हमारा घर में तो सबके ही पसंद आए हैं जब भी हम बनाए हैं। और इसको उल्टा पलटा के बढ़िया से हम इसको सेक लेंगे चारों ओर बराबर करके। तो आप इस तरह से बना के बच्चन के दीजिएगा तो सब बहुत प्रेम से खाएगा और आपको रोटी एक मतलब खराब नहीं होगा। तो इस तरह से आप घर में बनाए, तो ये हमारा बन चुका है। देखिए कितना बढ़िया गोल्डन कलर भी आ गया है। तो फिर इसको हम एक एक करके इस तरह से हम उठाई के बर्तन में हम रख देंगे।
तो ये भी जितना बचे हैं ये भी हम उठा के एक बर्तन में रखेंगे। तो इसी तरह से आप लोग घर पे ट्राई कीजिए, बहुत मस्त लगता है, चाहे सुबह के टाइम बनाइए चाहे शाम को टाइम। तो पूरा हम इस तरह से हम बनाए ले लिए हैं, और देखिए कितना मस्त बने हैं, खाने में बहुत बढ़िया है, और इतना कुरकुरदार बने हैं, बहुत अच्छा लग रहा है खाने में। तो एक संगारी आप चाय भी ले सकते हैं वैसे भी, और किसी भी चटनी के संगारी आप खा सकते हैं। तो जो धनिया के पत्ता हम पीसे थे तो वही चटनी हम लिए लिए मतलब लिए हैं। तो फिर आप लोग के दिखाई दे रहा है किस तरह से मतलब बनाना चाहिए, देखिए इसी तरह से दवाई, बस इतना बढ़िया बन चुका है हमारा। तो कोई भी टाइम आप बन सकते हैं, झटपट बन भी जाइए, और फिर हम चल रहे हैं सबके देने के लिए। थैंक यू, बाय।